हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बॉली मीडिया में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले पाना, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स के लिए हर खबर सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैकी बगनानी फिल्म में एक्टिंग करने के अलावा फिल्म मेकिंग में पैसा भी लगाते हैं। उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट जैसे कुली नंबर वन और बेल बॉटम में पैसे लगाए हैं। उनकी हालिया फिल्म जवानी जाने मन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म टाइटैनिक की रीमेक बनाना चाहते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर जैकी बगनानी ने कहा, मुझे हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म टाइटैनिक का रीमेक बनाना अच्छा लगेगा। जहाँ तक कलाकारों की बात है, तो मुझे फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को जैक और रोज की भूमिका निभाते देखना अच्छा लगेगा। 2019 बॉलीवुड के लिए भी बेहतरीन साल रहा है। इस वर्ष कबीर सिंह बाला जैसी कई फिल्में चली हैं। इस बारे में आगे बताते हुए जैकी ने कहा, एक होपफुल पर्सन होने के चलते मुझे उम्मीद है कि ये वर्ष फिल्म उद्योग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर होगा। इस मौके पर जब जैकी बगनानी ने बॉलीवुड में बढ़ रहे रीमेक के चलन के बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हमारे पास दोनों तरह की फिल्में बन रही हैं। उदाहरण के लिए हमारी हालिया रिलीज फिल्म जवानी जाने मन रिलीज हुई है। बेल बॉटम किसी का रीमेक नहीं है, जबकि दूसरी और कुली नंबर वन एक रीमेक है। ये तो लोगों की पसंद पर निर्भर करता है। जैकी बगनानी वासु बगनानी के बेटे हैं और वो खुद कई फिल्में में काम कर चुके हैं। हालांकि अब वो फिल्म निर्माण पर अधिक ध्यान देते हैं। जैकी बगनानी का फिल्मी करियर ठीक ठाक रहा। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, हालांकि वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। जैकी बगनानी रितेश देशमुख के संबंधी भी हैं। जैकी की बहन की शादी रितेश देशमुख के भाई से हुई है। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं टाइटैनिक का रीमेक देखने के लिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।